करवा चौथ पर्व पर इस बार सर्राफा बाजार में महंगाई की मार का खासा असर नजर आया। ज्वेलर्स की दुकान में ग्राहकों का अभाव था तो वहीं बहुत से ज्वेलर्स हाथ पर हाथ रखे बैठे नजर आए। त्योहारों को लेकर जहां महिलाओं में उत्साह होता है, वहीं सोना चांदी खरीदने का भी एक शगुन माना जाता है, जहां पति पत्नी खरीदारी करने के लिए निकलते हैं और अपनी सुविधा अनुसार कोई अपनी पत्नी को चांदी का कोई जेवरात पेश करता है तो कोई जो है सोने का दिलवाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार जो अपनी पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देता है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कोरोना काल के बाद कि ज्वेलर्स की दुकानों पर ग्राहकों का अभाव है। हालांकि करवा चौथ के पर्व को देखते हुए, आगामी दिवाली पर्व को देखते हुए सोना 2000 रुपये सस्ता है और चांदी भी सस्ती हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर यानी सर्राफ की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक नज़र नहीं आ रहे। इक्का दुक्का ग्राहक ही यहाँ नज़र आते हैं। क्या कुछ पूरा बाज़ार मद्दा है या क्या कुछ है, इसका प्रभाव आखिर ऐसा कैसे पड़ रहा है, सोना इतना सस्ता होने के बाद, 2000 रुपये सस्ता होने के बाद भी ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ जो अपने ज्वेलर्स हैं, उनके जो नामी ग्रामी ज्वेलर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसमें मौजूद हैं हम कंचन ज्वेलर्स, होलीगढ़ स्थित बहुत पुरानी दुकान है जिसके संचालक हैं, मालिक हैं आप कंचन लाल जी, जो सर्राफा बाज़ार के जो है अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके से जो सोना सस्ता हो गया, उसके बावजूद भी ग्राहकों का अभाव आ रहा है? नहीं, सोना सस्ते से ग्राहकों का रुझान तो बढ़ा है। तो क्या अब जिस प्रकार से पहले हम देखते थे लोगों में उत्साह होता था, खासकर करवा चौथ को लेकर खरीदारी जमकर होती थी, लेकिन इस बार इतना प्रभाव नजर नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब पूरा प्रभाव है और कस्टमर जो हैं, जो पहले थे, उस हिसाब से अब भी पूरा रुझान है। रुझान है, हाँ। और सोना से चांदी कितनी सस्ती हुई वैसे? नहीं, चांदी के सस्ती कहाँ है, चांदी तो जो है रेट जो है कॉमन रेट है जी, कुछ ज़्यादा सस्ती, और चांदी का ही पूरा रुझान है। खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रभाव हुआ हो। आपसे भी जानना चाहूंगा मैं इस बारे में, आप भी बताएं कि क्या कुछ चांदी और सोने की खरीदारी इस बार किस प्रकार से देखी? नहीं, बराबर चल रही है। दूसरी बात, महीने का एंड चल रहा है, 22 तारीख है, तनख्वाह बटने पर फिर रुझान अच्छा हो जाएगा और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि माना जाए कि करवा चौथ के बाद जब दीपावली करीब होगी तब जाकर खरीदारी में सरकारी पेमेंट मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, तो उसके बाद और रुझान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल जो हम बता रहे थे, हमारा अनुमान थोड़ा सा गलत निकला, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि प्रभाव पड़ेगा करवा चौथ की इस खरीदारी पर, लेकिन नहीं, आपने जो बताया, अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं इस बारे में कि ग्राहक कब खरीदारी करने के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि करवा चौथ कल है और उसके बाद दीपावली का त्यौहार है 4 तारीख का। लेकिन मानना ये है कि दीपावली करीब आते ही सभी को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह यानी उनकी पगार, उनका बोनस मिलना शुरू हो जाता है और तब वो खरीदारी के लिए निकलते हैं। लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे करवा चौथ पर जिस प्रकार से पहले एक शगुन सा माना जाता था कि कुछ गिफ्ट वगैरह दिलवाने के लिए, हालांकि दुकानदार हैं तो अपनी बात भी रखेंगे वो, ऐसा नहीं है कि ये कह देंगे कि दुकान में ग्राहक नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जब हम लोग वहाँ उनसे बातचीत कर रहे थे तो अंदर दुकानों में सिर्फ 2-3 ग्राहक ही थे। तो ये नज़ारा था यहाँ की करवा चौथ के पर्व पर ज्वेलर्स के, सर्राफ व्यवसायी का, सर्राफ के व्यापार का, सोने चांदी के व्यापार का। और भी कुछ हम आपको दिखाएंगे होलीगढ़ के पास, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लगातार हमारी कोशिश यही है कि करवा चौथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवरेज दिखाएं और दिखाएं कि किस प्रकार से बाज़ार में मंदा चल रहा है, किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इस समय मौजूद हैं हम शहर होलीगेट के छत्ता बाज़ार के अंदर, गली कूचा सुनारन में। यहाँ ज्वेलर्स की दुकान है, एक नहीं कई दुकान है और पुरानी दुकान है। क्या कुछ हालात हैं करवा चौथ आने वाले त्यौहारों को लेकर, खरीदारी कुछ लग नहीं रहा कि अब के बाद खरीदारों का थोड़ा सा करवा चौथ पर? हाँ, पहले से तो जो है करवा चौथ में जैसे बिक्रिया होती थी जी की थोड़ी आएगी, अब की उससे तो कम है पहले से। तो क्या लगता है, उम्मीद ये लगती है कि अब करवा चौथ के बाद दीपावली आने वाली है तो कुछ बाज़ार उठेगा? हाँ, हो सकता है 2-4 दिन में और बाज़ार उठ जाए पहले से। लेकिन जो पहले लोग शगुन मानते थे, शगुन समझ कर सोने चांदी के जेवरात अपनी पत्नियों को भेंट करते थे, अपने परिजनों को भेंट करते थे, अब वो चीज़ नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बिछिया और तोड़िया तो सब लोग लेते हैं इस समय, ले रहे हैं। चांदी की चीज़ें, चांदी सस्ती हो रही है क्या जी? चांदी सस्ती है, मतलब थोड़े बहुत जाता है तो, ये तो नहीं ज़्यादा महंगी आती है, हल्की बिछिया आते हैं, 4-5 ग्राम में बिछिया आ जाते हैं,
वो तो लेडीज ले ही जाती है, लेकिन ग्राहक कम है पिछली बार, ग्राहक पहले से कम है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम वही कहना चाह रहे थे कि ग्राहक कम है, जबकि हमारी कंचा ज्वेलर से बात हुई थी तो उन्होंने इस बात को एक सिरे से नकारा कि नहीं नहीं ग्राहकों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कमी नज़र आ रही है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और दुकानें भी खाली नज़र आ रही हैं। अगर यकीन ना हो तो मैं भी दिखाऊंगा, बहुत पुरानी दुकान है, बिल्कुल एक दो ग्राहक ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का जो दंपत्ति आए हुए हैं बस केवल खरीदारी करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर कभी भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार त्योहारों पर देखा जा रहा है कि भीड़ की थोड़ी कमी है। बिल्कुल कमी किस वजह से है, किस लिए है? हाँ साहब, कमी क्यों है ऐसी, दुकानदार इतनी भीड़ भाड़ नज़र क्यों नहीं आ रही? भीड़ तो बराबर आ रही है, पर कुछ कमी आ गई है, कोरोना की वजह से बाजार में कुछ डाउन है, मंदी है। हाँ, और महंगाई जो भरी है उसको, हाँ महंगाई भी है कुछ और कुछ कोरोना है, दोनों बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लहीक अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे। लहीक फारूकी जी, आप बताएंगे बाजार का भाव क्या चल रहा है इस समय? मतलब जैसा हर साल होता रहा है उसके हिसाब से तो देखने में ये आ रहा है कि पहले से कमी है, ग्राहकी हमारे पास भी पहले के देखते हुए थोड़ा कमी हुई है। बहरहाल जैसे त्योहारी सीजन होते हैं तो लोग कहीं से भी पैसा जुटा के लाएं, चाहे वो गिरवी से लाएं या कैसे भी, आर्थिक तंगी महसूस होती है हमें ग्राहकों को लेकर के, जिस तरह से वो बार्गेनिंग करते हैं कि इतना नहीं इतना हमारे पास है नहीं, इतना पैसा नहीं है, आप कम ले लो। जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो आर्थिक तंगी ज़रूर जता रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि एक तो वैसे ही काम नहीं सीजन के तौर पर, और ग्राहकों की ये सब बातें सुन करके यही लगता है कि ग्राहकों के पास अब पहले जैसा पैसा नहीं है, तो इसलिए वो उस रफ्तार से मार्केट में नहीं आ रहे हैं, और जो महंगी चीज़ें खरीद सकते थे वो भी उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। पहले बिछिया जैसे हम बेचते थे तो वो 10 ग्राम का ले लेते थे, आज वो सिर्फ 5 से 6 ग्राम को ही लेना पसंद कर रहा है कि मेरा कम पैसों में और अच्छा काम हो जाए। तो ये सब चल रहा है पहले, क्योंकि चांदी के भाव भी पहले के देखते हुए अब 67,000 से भी ऊपर के भाव हैं, 67,500। अब ऐसे रेटों में ग्राहक का मतलब चांदी या सोना खरीदना वो उसको भारी पड़ रहा है। सोना तो सस्ता भी हुआ है, तब भी खरीदार नहीं मिल रहे उसके। हाँ, उस समय सोना सस्ता था, लेकिन उस समय सीजन नहीं था, लोगों को आवश्यकताएं नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। आज जैसे कि अब सीजन है, अब शादी विवाहों का भी है, तो लोग आते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि भाई सोना भी महंगा है और पैसा भी, पहले जैसे भी हम लोग भी किसी ना किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी, तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास ही ग्राहक नहीं है तो हम आप लोगों को कैसे दें इतना पैसा, कहाँ से लाएं? क्या लगता है करवा चौथ के बाद दीपावली पर उतना अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा जो है कि रेस्पॉन्स मिल पाएगा दीपावली का, जैसा कि हमारे साल सोच करके बैठते हैं, माल भी रखते हैं, माल भी लाते हैं, लगाते हैं, मगर हर साल मतलब कम सा ही होता चला जा रहा है, वो पहले जैसी चीज़ें अब नज़र नहीं आती हैं बाज़ार में किसी भी तरह से। तो हर आदमी इसको अब डेली बेसिस से नहीं खरीदता, ज़रूरत के तौर पर खरीदता है, तो फिर जब ज़रूरत के तौर पर ही ये चीज़ रह गई है तो इससे मतलब सराफा बाज़ार पर तो पूरा पूरा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, हम बातचीत कर रहे थे लाइक जो है सराफा बाज़ार है वहाँ पर, हम और जो बाज़ार है जैसे आप देखिए दुकान भी देखिए, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि हमको कि ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ने लगा है, और उसी असर को परिणाम यह है कि ग्राहकों का जेवरात ज्वेलर्स की दुकानों पर अभाव है। ये हम दिखा रहे थे आपको त्योहारों पर क्या कुछ है बाज़ारों में। तो मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमल शर्मा, जी 9 न्यूज़ के लिए।